नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नेपाली मूल के दो युवकों को ऋषिकेश पुलिस ने रानी पोखरी से 2 किलो 400 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान एएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि काफी दिनों से ऋषिकेश व आसपास के क्षेत्रों में चरस तस्करी की खबरें चर्चा में थी, जिसको देखते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संघनन अभियान चला। देर रात रानी पोखरी पुलिस टीम ने चौराहे पर दो युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में देखते हुए तलाशी ली तो उनके पास से 2 किलो 400 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी कीमत लाखों की बताई जा रही है। वहीं पुलिस तस्करों की कुंडली भी खंगाल रही है। देर रात को रानी पोखरी पुलिस टीम ने नशे के खिलाफ अभियान में 2 किलो चरस जो है इन्होंने बरामद करा है। इसमें 2 नेपाली नागरिक शामिल हैं, उनका डिटेल्स आपको प्रेस नोट में दिया गया है, और 2 किलो चरस भी इनसे बरामद हुआ है। ये ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों से माल खरीदते हैं और नीचे आके हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र में माल बेचने को आते हैं। कीमत उनके अनुसार ये 1 लाख रुपए पर किलो की माल है, क्योंकि ऊपर का माल है करके हमें पता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना है। पुराने कोई रिकॉर्ड्स नहीं है क्योंकि ये नेपाली नागरिक है, नेपाल से इनके क्राइम डॉक्यूमेंट्स मंगाना पड़ेगा। उत्तराखंड में उनके खिलाफ अभी तक तो कोई क्राइम डॉक्यूमेंट्स है नहीं। ऋषिकेश से क्राइम स्टोरी के लिए आशीष सिंह की एक खास रिपोर्ट।